यशायाह अध्याय दो। यशायाह अध्याय दो। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हरेक जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे और बहुत देशों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों में झगड़ों को मिटा देगा। वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग भविष्य में युद्ध की विद्या न सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्वियों के व्यवहार पर तन मन से चलते हैं और पलिश्तियों की नाई टोना करते हैं और परदेशियों के हाथ साथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत है। उनका देश मूर्तों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से सवारा है दंडवत करते हैं। साधारण मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं, इस कारण उनको क्षमा न कर। यहोवा के भय के कारण और उसकी बढ़ाई के प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ऊंचे पर विराजमान रहेगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे, और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं और बाशान के सब बांज वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और उन सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहर पनाहों पर और तर्शीश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है, और आदमी का गर्व निकाला जाएगा और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा की ऊंचे पर विराजमान रहेगा और मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएगी। और जब यहोवा पृथ्वी के कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण उसकी बढ़ाई के प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया है छछुंदर और चमगिद्रों के आगे फेंकेंगे, कि यहोवा के भय के कारण और उसकी बढ़ाई के प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ों के छेदों में घुस जाए, जबकि वह पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा। सो तुम मनुष्य जिसकी श्वास उसके नथनों में है, उसके परे रहो, क्योंकि उसका मूल्य ही क्या है।